हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। जी, आज जो हम करेंगे हमारे पास आगे, हम पिछली वीडियो के अंदर हमारी एक्सरसाइज 10.2 के, ठीक है, हम पहले 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज जो हम करेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कहना सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएँ समानांतर होती हैं। मीन्स आपके पास एक वृत्त है आपके पास, ठीक है, जिसका केंद्र ओ है, और हमें क्या कहा है, इसका एक व्यास है हमारे पास, मान लेते हैं ये पी के ऊ आपके पास इसका व्यास दिया गया है, ठीक है, और इसके दोनों सिरों पर खींची गई जो दो रेखाएं हैं आपके पास, ठीक है, इनको हम नाम दे देते हैं एल और एम। अब हमें दिया है कि अंदर आपके पास क्या चीज़ है, ठीक है, पी के ऊ वृत्त का व्यास है हमारे पास, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, और एल और एम हमारे पास क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, एल और एम, ठीक है, हमारी स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक, अब हमें सिद्ध क्या करना है, इसके अंदर हमें सिद्ध करना है कि L समानांतर M है, ठीक है। अब हम इसमें करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन लेंगे प्रमाण के अंदर, हमारे पास जब इसका प्रमाण देखेंगे, हमारे पास OP क्या है, हमारी त्रिज्या होगी, ठीक है, OP त्रिज्या व M स्पर्श रेखा है, ठीक है, इसलिए आपके पास क्या हुआ, जो OP है वो आपके पास M पर लंब होगी, किस नियम के कारण, ठीक है, हमारा जो परिमेय है 10.1, ठीक है, केंद्र वृत्त के केंद्र से उसकी स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु पर गिरे खींची गई रेखा त्रिज्या, ठीक है, उस पर लंब डालती है हमारे पास परिमेय 10.1, तो उस चीज़ के कारण हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका हमारा जो ये कोण नंबर 1 है, ठीक है, ये कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं हमारे पास, ठीक है, आगे देखते हैं, हमारे पास ओ के ऊ है, हमारी त्रिज्या है, वह एल हमारी क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक, एल हमारी क्या है, स्पर्श रेखा है, इस चीज के कारण क्या हुआ, आपके पास जो ओ के ऊ है वो लंब हो गया किस पर, एल पर, तो इस चीज के कारण रीजन क्या, वही हमारे पास हमारी पहली परिमेय, परिमेय 10.1 हमारी, ठीक है, चाहे पूरी बात लिखें चाहे अकेला परिमेय नंबर लिख के छोड़ दें, तो इसका मतलब आपके पास ये कोण नंबर 2 है जो वो 90 डिग्री का हो गया, ठीक है, आप इस तरफ का लिख लें चाहे इस तरफ का लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। हमने एक नंबर और दो नंबर दे दिया, अगर आप एक तरफ की तरफ लेते तो दोनों को जोड़ लेते, ठीक है, और क्योंकि दोनों एक ही तरफ के, दो रेखाओं के एक ही तरफ के अंत हैं, कोणों का योग 180 डिग्री होता, तो रेखाएं एल और एम समानांतर हो जाती। अब मैंने दूसरी तरफ लिए हैं कौन, तो उनको मैं क्या करूँ, आपस में तुलना कर दूंगा। यहाँ पर आपका मेथड है, आप चाहते हैं जो जिस तरीके से वैसे कर सकते हैं, कौन एक और दो आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, परंतु हमारे पास ये क्या चीज़ है कि आपके बराबर तो आ गए, परंतु यह हमारा क्या है, एकांतर कोणों का युग्म है, ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, हमारा एकांतर कोणों का युग्म हो गया, एकांतर कोणों का युग्म है, ठीक है, इसलिए आपके पास एल समानांतर एम हो गया और हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड, ठीक है, जो हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया था वो हो जाएगा हमारा, क्लियर। इसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास सेम ऐसी ही चीज़ें दी गई हैं, उनमें क्या कह रहा है, वही जो नियम पीछे हमने सिद्ध किए थे उन्हीं चीज़ों के बारे में आपको द्वारा एक्सप्लेन करने के लिए, सिद्ध करने के लिए कहा है, ठीक है, इसके अंदर सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ठीक है, जो आपके पास हमने पढ़ा था कि किसी भी बिंदु पर, ठीक है, स्पेशल एक बात बताई थी कि यहाँ पर अन्य किसी बिंदु पर नहीं होगा, वो जो भी रेखा होगी वो आपके व्यास के ही, जैसे हमारे पास ये लंब खींचा गया, ये स्पर्श रेखा है, इस पर एक लंब गिराया जा रहा है, तो ये जो अगर लंब को बढ़ाया जाएगा आगे, तो ये वृत्त के केंद्र में से होकर ही गुजरेगा, ये बढ़ाने पर हमारे पास वृत्त के केंद्र में से ही होकर गुजरेगा, हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है इसके अंदर। तो अब इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ये हमारी स्पर्श रेखा होगी हमारी ए और बी होगी हमारी, ठीक है, और ये हमारा स्पर्श बिंदु मान लेते हैं पी, ठीक है, ये ओ हमारा केंद्र बिंदु हो गया, ठीक है, तो दिया है कि अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, आपको दिया गया ए पी ए बी, ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये हमें दी हुई है वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है,
और आपके पास ओ पी बी आपके पास कितना 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है, ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि जो ओ है वो वृत्त का केंद्र है, या यूँ कहें कि केंद्र में से होकर गुजरता है। ठीक है, कि यही आपके पास वृत्त का केंद्र बिंदु है हमारे पास, हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है। अब हम क्या करेंगे इसके प्रमाण के अंदर हमारे पास, ठीक है, हम क्या करते हैं, माना हमने एक और, ठीक है, रेखा ओ पी स्पर्श रेखा, ओ डैश पी एक स्पर्श रेखा ले लेते हैं हमारे पास, ठीक है, जो आपके पास ओ से नहीं गुजरती। यहाँ पर हम कोई एक नई नई रेखा ले लेते हैं ओ डैश, ठीक है, ओ डैश पी। इसमें हम क्या करते हैं, माना एक और ओ डैश पी रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा ए बी पर लंब है। ठीक है, ये हमने मान लिया जो ओ से नहीं गुजरती है, जो ओ से नहीं गुजरती है, ओ से नहीं गुजरती है। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या चीज़ हो गया, आपको एक प्रकार से ओ डैश पी बी को जो कोण है वो 90 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है, परंतु इसके अंदर अगर आप ध्यान दें, ठीक है, हमारे पास हमारा जो कोण ओ पी बी है वो भी 90 डिग्री का हमें दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, ये कोण आपको 90 डिग्री का दिया हुआ है, तो हमारे पास क्या हुआ, इसका मतलब आपके पास अगर हम बात करें कि कोण ओ डैश पी बी आपके कोण ओ पी बी के बराबर है। ठीक है, मीन्स ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, परंतु ऐसा तो संभव नहीं है। ठीक है, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। ठीक है, अंततः स्पर्श बिंदु हमारा, ठीक है, अंततः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब, ठीक है, डाला गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास अगर जो भी लंब आप खींचेंगे वो वृत्त के केंद्र में से होकर ही गुजरेगा। ठीक है, ये हमारा पॉइंट्स प्रूफ हो जाता है, प्रूव्ड हमारा कंसेप्ट। ठीक है, आगे देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें हमें क्या कह रहा है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखें आपको क्या दिया हुआ है, ये हमें कह रहा है एक बिंदु ए से, ठीक है, जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपके पास, ठीक है, आपके पहले क्वेश्चन की तरह, पहले क्वेश्चन में आपको ऑप्शन के अंदर दिया गया था, यहाँ आपको क्वेश्चन करने के लिए दे दिया गया, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपके 2 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन में और नहीं 1 नंबर के क्वेश्चन में इसने आना ही आना है हमेशा। ठीक है, आपके पास एक वृत्त दिया गया है, हम कहें एक बिंदु है ए जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त का केंद्र हो गया, और यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारे पास ये बिंदु हमारा ए हो गया। ठीक है, और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई हमें इस बिंदु से हमारे पास जो वृत्त की स्पर्श रेखा की बन रही है, मान लेते हैं आपके पास वो बिंदु बी है हमारा। ठीक है, उस बिंदु बी के लिए हमारी स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 है, और ये आपके पास केंद्र से दूरी 5 है, तो हमें ये त्रिज्या ज्ञात करनी है कि क्या होगी। इसके अंदर आप देखें सबसे पहले दिया में क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ओ ओ ए, ठीक है, ये आपको कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर दी गई है। ए बी ये आपको कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर दी हुई है। सिद्ध करना या ज्ञात करना आपके पास वो क्या चीज़ है आपके अंदर, इसके अंदर देखें आपको ओ बी, ठीक है, मतलब त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कहा गया, त्रिज्या ओ ए बी का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास ओ पी क्यों, ओ बी आपके पास त्रिज्या है, प्रमाण के अंदर देखेंगे हम क्या करेंगे इसके। ठीक है, ओ पी है जो ओ बी है हमारे पास, सॉरी ओ बी है जो वो ए बी ए पर लंब होगी। ठीक है, क्यों लंब होगी हमारे पास, क्योंकि त्रिज्या हमारी स्पर्श रेखा पर, ठीक है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब डालती है या होती है। ठीक है, हमारा उस चीज़ के कारण, इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो ये कोण है, ठीक है, मान लो अगर मैं 1 नंबर कोण कह दूँ, 1 नंबर कोण क्या होगा, 90 डिग्री का हो गया, तो आपकी समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज हमारी ओ बी ए में पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा आपके पास, ठीक है, आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा हमारे पास,
ओ बी का जो वर्ग है या ओ ए का वर्ग है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया, ये ओ बी का वर्ग प्लस ए बी के वर्ग के जोड़ के बराबर होगा। रीजन क्या बनेगा इसका, आपका पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, इसको हम पाइथागोरस प्रमेय कहेंगे हमारे पास, उस चीज़ के कारण हो गया आपका, ठीक है। आप ये 6 चैप्टर के अंदर कर चुके हैं ऑलरेडी। ओ ए का मान आपके पास कितना है, 5 है, ठीक है। ओ बी का मान आपको पता करना है, ठीक है, और ए बी का मान आपके पास कितना है, 4 है। 5 का वर्ग 25 बराबर में ओ बी का वर्ग प्लस 4 का वर्ग 16, तो ओ बी का वर्ग क्या हो जाएगा, आपके पास जो प्लस का 16 है दूसरी जगह माइनस का हो जाएगा, 25 में से 16 घटाएंगे 9, 9 आपके पास 3 का वर्ग होता है। इसका मतलब जो आपकी त्रिज्या है, ठीक है, वो ओ बी हम कहें, वो कितनी आ जाएगी आपकी, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से आपके पास ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये एग्जाम्स के व्यू से। इसको 100% आप ट्राई करेंगे, करके देखेंगे, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम के अंदर आता ही आता है, ठीक है। आगे देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें हमें क्या करना है, क्या करने के लिए कहा गया है, ठीक है। आपके पास ये जो 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, हमने पीछे हमारा जो उदाहरण नंबर 1 था उसी के कंसेप्ट का प्रयोग करते हुए किया दिया गया है। आगे देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दे रहा है ये, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास जो दिया हुआ है उसकी अगर हम देखें, वही हमारे पास सेम उदाहरण नंबर 1 की ही तरह आपकी आकृति बन जाएगी इसके अंदर, ठीक है। हमें 2 केंद्रीय वृत्तों की बात कही है, 2 केंद्रीय वृत्त हो जाएंगे हमारे, ठीक है, और जिनका केंद्र ओ हो गया, बड़े वृत्त की जो स्पर्श रेखा है, बड़े वृत्त की जो जीव है, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है हमारे पास वो, ठीक है, और जिनकी त्रिज्याएं हमें 5 और 3 सेंटीमीटर दी गई हैं। उदाहरण में आपको त्रिज्याओं का माप नहीं दिया गया था, फर्क सिर्फ इतना है क्वेश्चन के अंदर, बड़े वृत्त की हमें उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो, ठीक है, मतलब ए बी का हमें मान ज्ञात करना है इसके अंदर। ये हमारे लिए 3 है और ये हमारे पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास दिया है, देखें क्या होगा सबसे पहले तो, ठीक है, 2 हमारे पास क्या है, हमारे सकेंद्रीय वृत्त हैं, ठीक है, 2 सकेंद्रीय वृत्त जिसका केंद्र हमारे पास क्या है, जिसका केंद्र ओ है, हम यूँ कहें, ठीक है, जिसका केंद्र ओ है, ठीक है, और आगे क्या हो गया, त्रिज्याएं हमारी ओ ए बराबर में 5 सेंटीमीटर, ओ अगर हम इसको नाम दे देते हैं, मान लो हम पी नाम दे देते हैं, तो ओ पी बराबर में 3 सेंटीमीटर हो गया हमारे पास, ठीक है, ये चीज़ होगी। और सिद्ध क्या करना है हमें, या कहीं इसके अंदर ज्ञात करना है, क्योंकि हमें सिद्ध करना है हमारा, हमें ए बी का मान ज्ञात करना है इसके अंदर, ठीक है। अब प्रमाण करेंगे हम सबसे पहले इसके अंदर, ठीक है, ए बी आपके पास स्पर्श रेखा है, ठीक है, ए बी स्पर्श रेखा है और ओ पी त्रिज्या है, तो हमारे पास क्या हुआ, ओ पी आपके पास ए बी पर लंब हो गया, ठीक है, ओ पी हमारे पास क्या होगी, ए बी पर लंब होगी, और लंब होने का मतलब क्या हुआ कि जो कोण नंबर 1 है आपके पास वो क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया, ठीक है, ये चीज़ हुई हमारी। तो हम क्या, अब क्या करेंगे, हमारी समकोण त्रिभुज में लेंगे, समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए पी ओ में, इसमें आप क्या करेंगे, ओ ए का वर्ग हमारे पास ओ पी का वर्ग प्लस ए पी के वर्ग के बराबर होगा। रीजन क्या लगेगा इसके अंदर, पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय आपकी कहती है कि कर्ण का वर्ग आपके पास अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये 90 डिग्री का कोण हो गया, इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण होगी, अन्य दो भुजाएं आपके पास ओ पी और ए पी होगी, इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा हमारे पास, ठीक है। ओ ए हमें 5 दी गई है, ओ पी हमें 3 दी गई है, ए पी का मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ से 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 प्लस ए पी का वर्ग, तो आगे अगर आप लेके जाएंगे तो ए पी का वर्ग क्या हो जाएगा, 25, 9 प्लस का उधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का, वो 25 माइनस 9 क्या होता है, 16, तो जो ए पी का वर्ग है वो 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, इसका मतलब ए पी आपके पास कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गई आपके पास, ए पी 4 सेंटीमीटर आ गई। ये आप ऑलरेडी उदाहरण नंबर 1 के अंदर सिद्ध कर चुके हैं, यहाँ दोबारा उसी चीज़ को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि आपके पास ए पी और ए बी बराबर, पी बी बराबर होते हैं, ठीक है, इसलिए आपकी जो स्पर्श रेखा ए बी है वो क्या होगी, ए पी के डबल के बराबर होगी, तो 2 × 4 = 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का, क्लियर। इसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें हमें क्या दे रहा है ये देखें, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 की एक खासियत है कि इसका पूरा का पूरा प्रूफ हमारे पास एक आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यूज होता है, तो हम दोनों क्वेश्चंस को अभी साथ साथ ही करेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से आपको करना है वो देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रहा है ये, कहना एक वृत्त के परिघीर्त एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। एक आपके पास, ठीक है, वृत्त है, उसके परिघीर्त मीन्स उसके बाहर की तरफ एक चतुर्भुज बनाया गया आपके पास, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास ये चतुर्भुज है आपका, किसी भी तरह की आगे छोटी मोटी बड़ी रेखाएं हो सकती हैं, ये जैसा भी दिया गया वो मान लेते हैं ABCD, ठीक है, जो जैसा आकृति के अंदर दिया हुआ है। और इन्होंने ये जो स्पर्श बिंदु है हमारे पास, इनको PQRS मान लेते हैं हम। दिया है हमें क्या चीज़ हो जाएगी आपको, चतुर्भुज, ठीक है, ABCD क्या चीज़ है हमारे पास, वृत्त के परिघित है, ठीक है, वृत्त के परिघित है। और सिद्ध क्या करना है हमें इसके अंदर, देखें अगर आप ध्यान दें, हमें सिद्ध करने के लिए कहा है AB + CD बराबर में AD + BC, मीन्स इन दोनों भुजाओं का जोड़ आपकी इन दोनों भुजाओं के जोड़ के बराबर हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया है, ठीक है। अब उसी कंसेप्ट का हम यूज़ करते हुए देखेंगे, आपका प्रमाण शुरू करेंगे। प्रमाण में हमारे पास एक कंसेप्ट है हमारा, आपके परिमेय 10.2 के अंदर था, जो परिमेय 10.2 कह रहा था, परिमेय 10.2 क्या कहता है कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ठीक है, उसी कंसेप्ट का हम यहां पर यूज करेंगे, ठीक है। लिखेंगे वृत्त के बाहरी बिंदु से, ठीक है, वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ठीक है, आपस में बराबर होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम क्वेश्चन देखेंगे। ए बिंदु से देखें तो AP बराबर में क्या होगा, AS, AP बराबर में AS आपका पहला पॉइंट। बी बिंदु से देखें तो BP बराबर में BQ, BP बराबर में BQ दूसरा नंबर। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, AB और CD को मुझे जोड़ बराबर प्रूफ करना है, तो मैं जो इस तरफ के भाग हैं उनको लेफ्ट साइड की तरफ और BC और AD के जो भाग बनेंगे उनको मैं राइट साइड की तरफ लिखूंगा। अब बिंदु C के लिए देखूंगा तो मैं इसको CR बराबर CQ लिख रहा हूँ, CR बराबर CQ नंबर 3। और D बिंदु के लिए देखें तो DR बराबर में DS, DR बराबर में DS नंबर 4। अब 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, ठीक है, अगर हम इन सभी को जोड़ दें आपस में तो क्या होगा, आपके पास देखेंगे AP + BP + CR + DR बराबर में AS + DS, इन दोनों को मैंने इकट्ठा करके लिख दिया, ठीक है, प्लस BQ + CQ। तो यहाँ से आप देखें AP + BP दोनों को जोड़कर क्या बन गया, AB, CR + DR दोनों को जोड़कर क्या बन गया आपके पास, CD। तो AB, ठीक है, प्लस CD बराबर में आपके पास AS और DS, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, AD बन जाएगा, ठीक है, और BQ + CQ को अगर आप जोड़ेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, BC, ठीक है। यही आपको प्रूफ करने के लिए कहा था कि AB + CD का जोड़ आपके पास AD + BC के जोड़ के बराबर होगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है, प्रूव्ड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास। आगे देखेंगे हमारे पास सेम इसी कंसेप्ट के ऊपर, आगे इसी का यूज़ करते हुए जो आपके पास क्वेश्चन बनता है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर आप 11 को देखें तो उसके अंदर हम यहीं तक का यूज़ करने के बाद आपके पास दो बातें एक्स्ट्रा बनती हैं उसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या कह रहे हैं वो चीज़ देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 में स्टेटमेंट पढ़ें सबसे पहले, कहना सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिघत समानांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। किसी वृत्त के परिघत मैंने किसी वृत्त के बाहर की तरफ बनी हुई समानांतर चतुर्भुज है अगर आपके पास तो वो क्या होती है, एक सम चतुर्भुज होती है। दिया है हमें क्या हो जाएगा, सिर्फ आपके पास ये फर्क हो गया, ये आपकी चतुर्भुज सिंपल चतुर्भुज ना रहकर एक समानांतर चतुर्भुज हो गई, ठीक है। और हमें जो सिद्ध करना है वो क्या चीज़ सिद्ध करनी है कि आपके पास जो चीज़ ये चतुर्भुज है आपके पास, ठीक है, वो एक सम चतुर्भुज है। ABCD एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएँ आपस में बराबर होती हैं, ठीक है, यह चीज़ मतलब। अब हमारे पास देखें आपका पूरा प्रमाण यही चलेगा, ठीक है, यहाँ तक हम कंसेप्ट तक पहुँचे। अब क्योंकि क्या चीज़ है, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है और समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, क्योंकि ABCD
एक समानांतर चतुर्भुज है हमारी, ठीक है, यहाँ से कंसेप्ट आपका आगे यूज होता है। बाकी आठवें क्वेश्चन तक आपके पास यहाँ तक पहुँचे हम, ठीक है, हमने आमने सामने की भुजाओं का जोड़ क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर प्रूफ किया कि वो बराबर होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये एक समानांतर चतुर्भुज है, हमें क्या करना है, समचतुर्भुज प्रूफ करना है। आपके पास ए बी सी डी के बराबर है, बी सी ए डी के बराबर है। अगर मैं इन दोनों भुजाओं को आपस में बराबर सिद्ध कर दूँ, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर है तो मतलब तीनों बराबर होगी, और ये भुजा इस चीज़ के ए डी के बराबर है मतलब चारों की चारों भुजाएँ आपकी बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, इसलिए हमारे पास क्या होगा, ए बी बराबर में सी डी व ए डी बराबर में बी सी, ठीक है, ये आपके पास हो गया, ये आपके पास है, ठीक है। इसलिए अब कंसेप्ट क्या बनेगा, हमने ए बी सी डी की जगह ए बी रख लिया, ए डी की जगह बी सी रख लिया प्लस बी सी, तो आपके पास क्या चीज़ आई इसके अंदर, दो ए बी बराबर में दो बी सी, ठीक है, मतलब ए बी बराबर में बी सी, ठीक है। अब आपके पास ए बी बराबर में बी सी का मतलब क्या हुआ कि आपकी चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। अर्थात आपके पास क्या हुआ, हम यूँ कहें कि अर्थात, ठीक है, आपकी ए बी बराबर में बी सी बराबर में सी डी बराबर में डी ए, मतलब चारों की चारों भुजाएं आपकी बराबर हैं। जब चारों की चारों भुजाएं आपस में आपकी बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी डी हमारे पास क्या है, एक सम चतुर्भुज है, ठीक है। हम ए बी सी डी को क्या कहेंगे, एक सम चतुर्भुज कहेंगे हमारे पास, क्लियर। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास ख्याल रखना है, पहले आपको पूरा क्वेश्चन नंबर 8 प्रूफ करना होगा, मीन्स 8वां नंबर क्वेश्चन आपका चलेगा, उसके बाद जाकर फिर आप आगे क्वेश्चन नंबर 11 का यूज़ करेंगे, क्योंकि उसके अंदर एक एक्स्ट्रा बात दी गई है। 8 नंबर क्वेश्चन में आपके पास एक सिंपल चतुर्भुज थी और 11 नंबर क्वेश्चन में आपको ये एक समानांतर चतुर्भुज दी गई है, सिर्फ दोनों क्वेश्चनों के अंदर आपके पास इतना फ़र्क है, ठीक है। उसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए आप देखेंगे आगे, ठीक है। अब हमारे पास बीच में आपके रहे क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ठीक है, और लास्ट के क्वेश्चन 12 और 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इनमें हमारे पास, क्योंकि आज हम 5-6 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, थोड़ा सा उस आपके पास कंसेप्ट थोड़ा बड़ा आ जाता है उसके अंदर, छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, क्या इसको किस प्रकार से करेंगे हम, इसमें हमें क्या दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कहना, सिद्ध कीजिए किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूर्क होता है, ठीक है। मीन्स आपके पास एक वृत्त है, वृत्त के किसी बाहरी बिंदु P से आपने दो स्पर्श रेखाएं खींची हुई हैं, ठीक है, थीके? आपके पास, और वृत्त के केंद्र इन बिंदुओं को मिलाया गया आपके पास, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है, इन दोनों कोणों का जो जोड़ है हमारे पास वो 180 डिग्री होगा, मतलब संपूरक होगा, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है, मतलब कोण नंबर 1 बराबर में कोण नंबर 2, सॉरी 1 और 2 का जोड़ 180 डिग्री सिद्ध करना है। दिया है के अंदर इसमें देखिए आपके पास क्या है, ठीक है, एक वृत्त है हमारे पास जिसका केंद्र हमें क्या दिया गया है, जिसका केंद्र O है, ठीक है, और PA और PB हमारे पास कहीं PA व PB हमारी स्पर्श रेखाएं हैं, PA और PB हमारी स्पर्श रेखाएं हैं, और सिद्ध क्या करना है इसके अंदर हमें, इन स्पर्श रेखाओं के बीच में और त्रिज्याओं के बीच में बनने वाला कोण, मतलब कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 का जोड़ 180 डिग्री, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। क्योंकि इस कंसेप्ट का यूज़ करते हुए आपको याद होगा हम उदाहरण, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, इसी कंसेप्ट का यूज़ किया था हमने। मैंने आपको कहा था कि आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं एक नंबर के क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, और बड़े क्वेश्चन में भी आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं कि बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि आपका ये नियम है, ठीक है। आप प्रमाण देखें, उसी कंसेप्ट का हम यूज़ करते हुए देखेंगे, ओ ए हमारी त्रिज्या है, ठीक है, वह ए पी स्पर्श रेखा है, ठीक है, तो हमारे पास हमारा जो परिमेय 10.1 है वो क्या कहता है, परिमेय 10.1 के अनुसार, ठीक है, जो ये त्रिज्या है इस स्पर्श रेखा पर क्या होगी, लंब होगी, मतलब ओ ए आपके पास लंब होगा ए पी पर, ओ ए ए पी पर लंब हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोण नंबर 3 है आपके पास वो कितने का आ गया, 90 डिग्री का आ गया, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए आगे हम चलते हैं, हमारे पास इस तरफ लेते हैं ओ बी, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारी त्रिज्या है, ठीक है, और वह हमारे पास बी पी हमारी क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक है, बी पी हमारी क्या है, स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा होने के कारण आपके पास क्या हो जाएगा, जो ओ बी है वो हमारे पास बी पी पर एक लंब हो जाएगा, मीन्स हमारा क्या बन गया, ये परिमेय
10.1 के कारण। तो इसका मतलब अगर मैं इसको कोण नंबर 4 कह दूं तो ये कोण नंबर 4 आपके पास क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक है, अब 3 और 4 नंबर कोण आपके 90 डिग्री के आगे। अब उसी चीज़ का कंसेप्ट का यूज़ करते हो जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, आपके पास चतुर्भुज, चतुर्भुज ओ ए बी बी ओ ए पी बी में, ठीक है, आपके पास क्या होगा, कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 4 बराबर में 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोनों का जोड़ 360 डिग्री होता है। एक नंबर और दो नंबर कोण का जोड़ हमें पता करना है। तीन नंबर और चार नंबर का मान 90 डिग्री है। ठीक है, तो कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 90 और 90 180 डिग्री हो जाएगा बराबर में 360 डिग्री। ठीक है, आपके पास कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 360 माइनस 180 डिग्री, मतलब कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 का जोड़ हमारे पास कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। हमारा ये कंसेप्ट प्रूफ हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 ये प्रूफ हो जाता है। और इस एक्सरसाइज के हमारे पास क्वेश्चन कौन कौन से रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, ये हमारे पास इस एक्सरसाइज के पेंडिंग क्वेश्चन है जिनको हम अपनी अगली वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, और समय के अनुसार हम उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनकी क्लास 10th की जो भी प्रॉब्लम है वो आपके साथ सॉल्व हो जाए। ठीक है, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक विजय जाखल बंसल मैथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।